पार्ट टाइम ये बिजनेस बिल्ड किया। नौकरी करना चाहता नहीं था, 4 साल करने के बाद पहला काम किया, नौकरी छोड़ाया। ये बिजनेस किया था पार्ट टाइम इनकम के लिए, बिकॉज महीना थोड़ा लंबा चलता था, सैलरी थोड़ी कम पड़ जाती थी। दैट वॉज द बेसिक रीजन बिहाइंड ज्वाइनिंग दिस बिजनेस। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बिजनेस करते गए, कुछ चीज़ें दिखने लगीं, थोड़ा विश्वास बढ़ गया और एक एक कदम आगे बढ़ते रहे। सरल था कठिन था मुझे पता नहीं। एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, अगर सपने मजबूत हैं तो ये बिजनेस बहुत सरल है, और अगर सपने नहीं हैं तो ये बहुत बोझिल है, बहुत कठिन है। नौकरी में भी कठिनाई थी, सरल तो वो भी नहीं थी। यहाँ अच्छी बात ये थी कि टीम बहुत मदद कर रही थी, सीडीज बहुत मोटिवेट कर रही थी, सीडीज एक अलग तरह का ज्ञान दे रही थी। मुझे फंक्शन बहुत अच्छे लगते हैं, तब भी अच्छे लगते थे, आज भी सीडीज एंड फंक्शंस मेरे बेस्ट चॉइस है। किताबें पढ़ना मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता था, बहुत डिलिबरेटली आदत डाली किताबें पढ़ने। मुझे एक चीज़ समझ में आई, अगर खुद को बदल लेंगे तो अपनी दुनिया बदल जाएगी। खुद को बदलने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करेंगे, ऐसा निर्णय ले लिया था। किताबें रोड़े की तरह फंसी थी तो उनको भी निपटा दिया। आज मैं आपको ये बात कहूँगा, इस बिजनेस को करने में मज़ा बहुत आता है। जब लोग हाँ कहते हैं तो भी बड़ा मज़ा आता है, जब लोग ना कहते हैं तब भी बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि जब एक बार पहले से पता हो कि रिजल्ट इन दो में से ही कुछ एक आएगा, तो हर चीज का आनंद लेना अपने आप में एक बढ़िया बात है। कुछ लोग कहते हैं आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे, कुछ लोग कहते हैं आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे, कई बार बच्चों वाली बातें भी करते हैं, बहुत महंगे प्रोडक्ट हैं साहब आपके, आपने कौन सा यूज किया? कोई नहीं। आपको कैसे पता? मैंने सुना है। कोई बहस नहीं करते, मन में मुस्कुरा लेते हैं, बच्चा है, बच्चे वाली बातें कर रहा है। मुझे एक चीज पता है, दिस इज अ लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस। वी आर इन सर्च ऑफ लीडर हुम वी कैन ग्रूम एंड लीड। क्या आपके सपने हैं ये आपको पता होना चाहिए। सरकार को दोष देने से, मौसम को दोष देने से, देश को दोष देने से, वक्त को, हालात को दोष देने से, क्या अगर आपकी जिंदगी बदल सकती है, खूब दोष दीजिए। मैं देख रहा हूं पेट्रोल महंगा हो गया, महंगा अच्छा है 200 रुपए लीटर हो गया, जितनी फर्जी गाड़ियां कारें घूम रही बंद हो जाए, जाम तो हटेगा, लोग टेम्पो में बैठ के जाएंगे, क्या दिक्कत है? इफ यू कैनॉट अफोर्ड डोंट यूज इट, दिस हैज टू बी डिफाइंड। फ्रेंड्स, मैं एक चीज कह सकता हूं, आज जिस तरह से दुनिया तरक्की कर रही है, जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, मैं किसी पॉलिटिकल सिनेरियो की बात नहीं कर रहा, माय कंट्री इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज राइट। अगर आप देख सकते हो, भरी पड़ी है अपॉर्चुनिटीज। ओनली थिंग इज, आर यू रेडी फॉर वॉट? आर यू रेडी टू चेंज? मैं आपको एक चीज कह सकता हूँ, आपकी बार जो खुसरो पटेल साहब आ रहे हैं, कानपुर IIT का टॉपर पास आउट है, मुझसे सीनियर है, और मुझे अपने स्कूल के डेज याद है। IIT में जो लड़के जाते थे वो कंप्यूटर ब्रेन माने जाते थे, उनका कोई सानी नहीं होता। एक IIT से टॉप करने वाला आदमी निकलता है, ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, जॉब करता है, बाद में अपनी कंसल्टेंसी शुरू करता है, अपनी कंपनी बनाता है, और ये जब बिजनेस शुरू होता है तो सब छोड़ छाड़ के वापस आ जाता है। वो वही बिजनेस कर रहा है जो हम कर रहे हैं। उन्होंने IIT किया, हमने नहीं किया, लेकिन आ तो गए बराबर से, आपको भी तो वही मिला। And trust me friends, the day I build bigger business, I'll get more recognition. This is the game. जिस दिन आप उनसे बड़ा बिजनेस करोगे, आप उनसे आगे बैठोगे, ज्यादा अच्छी सीट पे बैठोगे। ये बिजनेस खुले आम अपॉर्चुनिटी देता है, हर उस इंसान को देता है। रियाज गरीब था लेकिन सपने बड़े थे। आज स्टूडेंट्स आते हैं, बच्चे हैं, 10-10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, MBA कर रहे हैं, 12,000 की नौकरी ऑफर हो रही, कहाँ जाएंगे ये बच्चे? पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आँख खुल के अगर वक्त को पढ़ लिया जाए
वकील मानिए उस वक्त को लीड भी किया जा सकता है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।